ओके, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे तुम बहुत सिंपल तरीके से सॉन्ग को मिक्स कर सकते हो। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा कि कैसे आप एक सिंपल फ़ोन यूज करके सॉन्ग को मिक्स कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो आप उसे भी यूज करके कैसे सॉन्ग को मिक्स कर सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी एक चीज़ सीख पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपने फ़ोन में सॉन्ग एडिट कैसे कर सकते हो, और ये करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपको सिंपली एक ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है वेबपैट साउंड एडिटर। ये आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और मैं इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप ये डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप इसे सिंपली ओपन करना, तो ये इस ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट आपको काम करना है वो ये करना है कि अपने फ़ोन में जो सेटिंग आता है वहाँ से ऑटो रोटेट को ऑन कर लेना। तो ऑटो रोटेट ऑन करने से ये होगा कि आप इस ऐप को लैंडस्केप मोड में भी सिंपली यूज कर सकते हो, जिससे एडिटिंग करनी काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे इसका इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ऊपर में अगर हम बात करें तो टॉप पे आपको टूल बार में कुछ ऑप्शन मिल जाएगी, जैसे होम का, एडिट का, लेवल्स का और इफेक्ट का। यहाँ पे आपको कुछ इफेक्ट मिल जाएंगे, और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको कुछ और बटन्स मिलेंगे, जैसे फाइल का, फाइल वाले बटन से आप किसी भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो या फिर न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो सॉन्ग एडिट करने के लिए। सेकंड जो ऑप्शन है वो है ओपन का, यहाँ से आप किसी भी सॉन्ग को इस ऐप में ओपन कर सकते हो। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है न्यू फाइल का, मतलब न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो। तो अब हम एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप उस सॉन्ग को आपको इस ऐप में इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे ओपन पे आप क्लिक करना, देन यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंपोर्ट फ्रॉम म्यूजिक लाइब्रेरी, आप इस पर क्लिक करना और यहाँ पे आपका जो भी म्यूजिक का, जो हर फोन का म्यूजिक का जो ऐप होता है उसे सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे ही आप उस सॉन्ग को सेलेक्ट करोगे तो वो सॉन्ग इस ऐप में इंपोर्ट हो जाएगा। तो उस सॉन्ग के इंपोर्ट होते ही आपको वो सॉन्ग यहाँ पे वेब फॉर्मेट में दिखेगा, मतलब जो सॉन्ग का फॉर्मेट होगा वो वेब फॉर्मेट में होगा, जिससे एडिटिंग करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें आपको समझनी है वो ये कि आप एक बटन मिलेगा प्ले एंड पॉज का, और जो सेकंड है वो आपको ये समझना है कि जैसे ही आप पिंच करके अगर एक्सपेंड करोगे तो ये जूम इन हो जाएगा, और पिंच करके अगर आप इसे कंप्रेस करते हो तो ये जूम आउट हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़रूरी है जूम इन और जूम आउट करना, तभी आप एक क्लीन एडिटिंग कर पाओगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे किसी भी सॉन्ग को स्प्लिट करना। किसी भी सॉन्ग का आपको मान लो बस प्रॉपर इतना ही पार्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस सॉन्ग का इतना ही पार्ट चाहिए तो ये जो कर्सर है मैं इधर ले आऊँगा, जो बाकी का पार्ट है मैं सिंपली इस कर्सर के पास क्लिक करके जब इसे ड्रैग करूँगा तो ये बाकी का पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और ये जब बाकी का पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपली कट का ऑप्शन आता है, आप कट पे क्लिक करना, वो बाकी का पार्ट डिलीट हो जाएगा और आपका सॉन्ग ये इतना आ गया। तो ये काफ़ी सिंपल है। किसी भी सॉन्ग का आपको मान लो इतना पार्ट चाहिए तो आप उसे सिंपली तरीके से स्प्लिट कर सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं कि दो सॉन्ग को हम कैसे एडिट कर सकते हैं, मतलब अगर आपको दो सॉन्ग मर्ज करने हैं एक सॉन्ग में किसी भी डांस परफॉर्मेंस के लिए, कि पहले इतना सॉन्ग प्ले हो फिर इतना सॉन्ग प्ले हो, तो वो करना भी बहुत सिंपल है। आप ऊपर एक प्लस का यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा, आप सिंपली उस पर क्लिक करना और फिर से आपको जो काम करना है वो करना, दूसरे सॉन्ग को इम्पोर्ट करना है। तो हमारे ये सेकेंड सॉन्ग भी इम्पोर्ट हो गया। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे सॉन्ग का बस इतना पार्ट चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो मैं ये जूम करूंगा और इस पार्ट को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे क्लिक करके। ये एक्चुअली वेब फॉर्मेट में है तो इसे एडिटिंग करना काफी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि आपको प्रॉपर सॉन्ग दिखते हैं कि कौन से सेकंड पे आपको कट लगाना है। तो मान लो मुझे इतना पार्ट चाहिए तो मैं सिंपली इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, मैं कॉपी कर लूंगा और ये जो फर्स्ट सॉन्ग है इस फर्स्ट सॉन्ग के लास्ट में मैं जाके इसे पेस्ट कर दूंगा। लेकिन एक बात आपको यार ध्यान ये रखना है कि आप एकदम लास्ट में आके पेस्ट मत करना। इससे दिक्कत ये होती है कि जो फर्स्ट सॉन्ग है उसका जो लास्ट का एक दो सेकंड होता है ये वहाँ पे पेस्ट होगा, और वो सॉन्ग का जो लास्ट एक दो सेकंड है वो सेकंड सॉन्ग के बाद में चला जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको लास्ट पे क्लिक करना है और इस सॉन्ग को प्ले करना है। जब ये सॉन्ग जाके खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा, आप सिंपली एकदम ये लास्ट में चला गया स्टॉप हो गया, तब आप पेस्ट करना। यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करके जो टॉप का पेस्ट का ऑप्शन है आप उस पर क्लिक करना, तो सेकंड सॉन्ग हमारा पेस्ट हो गया यहाँ पे। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने दो सॉन्ग को मर्ज कर लिया।
तो आपने देखा कि हमने बहुत सिंपल तरीके से दो सॉन्ग को मर्ज कर दिया। अब आप जितने भी सॉन्ग मर्ज करना चाहते हो आप उतने सॉन्ग मर्ज कर सकते हो, और ऐसे ही आप छोटे छोटे क्लिप कट कर करके बाकी सॉन्ग को ऐड करके एक प्रॉपर मिक्सिंग सॉन्ग बना सकते हो अपने डांसिंग वीडियो के लिए, अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए। और अगर आपको और भी कुछ इफेक्ट चाहिए, जैसे आपको इको चाहिए, रिवर्ब चाहिए, तो यहाँ पे आप इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और जिस भी पोर्शन पे आपको अप्लाई करना उसे आप सेलेक्ट करना, और वहाँ से आप जो भी इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो या मोर इफेक्ट पे आके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन और मिल जाएंगे। यहाँ पे एक रिवर्ब का ऑप्शन है, रिवर्ब भी आप ले सकते हो, और यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये सिंपली वो इफेक्ट इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसी सिंपल तरीके से आप कितने भी सॉन्ग चाहते हो आप उसे सिंपली मिक्स कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे ये एक बीट है, ये एक बैकग्राउंड म्यूजिक है। अब इस बैकग्राउंड म्यूजिक को मैं किसी सॉन्ग के बैकग्राउंड में फिट करना चाहता हूँ। मान लो किसी सॉन्ग का वॉइस चल रहा है, उसके वोकल चल रहा है, उसके पीछे मुझे इस बैकग्राउंड म्यूजिक को फिट करना है। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट सॉन्ग है इसके पीछे मुझे उस बैकग्राउंड म्यूजिक को फिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट सॉन्ग का जितना भी बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे चाहिए वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसे मैं कॉपी कर लूँगा। होम वाले ऑप्शन पर आके यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया। अब जो दूसरा सॉन्ग है मुझे जहाँ पर इसे फिट करना है इस बैकग्राउंड म्यूजिक को, मैं वो पार्ट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेस्ट मिक्स का, इस पर आप क्लिक करना और यहाँ पे सिंपली आप पेस्ट मिक्स पे क्लिक करना। तो ये सिंपल तरीके से उस सॉन्ग के पीछे ये बैकग्राउंड मिक्स हो गया। तो ऐसे ही आप किसी भी वोकल्स पे, किसी भी सॉन्ग के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक फिट कर सकते हो उस दूसरे टाइप का वाइब देने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर एक स्लो सॉन्ग है तो आप उसके पीछे हिप हॉप बीट मिक्स कर सकते हो जिससे उस सॉन्ग को थोड़ा फास्ट वाइब, थोड़ा फास्ट टेम्पो मिल जाए। और भी इस ऐप में काफ़ी सारे और फीचर है जिसको आप खुद एक्सप्लोर करो, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। अपनी क्रिएटिविटी को यूज करो तो एक सिंपल से ऐप को तुम बहुत अच्छे से यूज करके प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग कर सकते हो। ओके, तो अब हम देखेंगे कि आप अपने सॉन्ग को अपने लैपटॉप या सिस्टम में कैसे एडिट कर सकते हो। तो ये भी करना काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है जैसा हमने फ़ोन में किया था। मैं उसी सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला हूँ, वेबपैड को। आपको ये गूगल पे मिल जाएगा, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आपको सिंपली इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप जब इसे ओपन करोगे तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे भी वही सारे ऑप्शन आपको टूल बार में मिल जाएगा जो आपको फ़ोन में मिल रहे थे। आपको सिंपली यहाँ पे करना है कि आप यहाँ पे सॉन्ग को इंपोर्ट करना है। तो सॉन्ग को इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ ओपन वाले बटन पे क्लिक करके भी इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर सिंपली किसी भी सॉन्ग को ड्रैग करके यहाँ ला सकते हो तो वो सॉन्ग इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। तो इसमें भी आपको सिंपली वही सारे चीज़ें वेब फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर यहाँ से यहाँ तक का चाहिए अगर ये सेक्शन, तो मैं बाकी को सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा तो मुझे ये सेक्शन मिल गया। अब मुझे किसी और सॉन्ग को इसमें ज्वाइन करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं दूसरे सॉन्ग को इम्पोर्ट कर लूँगा। और उस दूसरे सॉन्ग का मुझे जितना पार्ट चाहिए मैं उसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से कॉपी कर लूँगा और ये फर्स्ट सॉन्ग के बाद में मैं उसे पेस्ट कर दूँगा। तो दो सॉन्ग बहुत सिंपल तरीके से ऐड हो गए। तो लैपटॉप या अपने सिस्टम में एडिटिंग करना भी सिंपल है, दोनों सिमिलर है। बस यहाँ पे आपको बेनिफिट ये है कि थोड़ा कन्वीनियंट है, यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम कम लगेगा, यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ा लार्ज है तो आपको देखने में आपको थोड़ा इजीली होगा, आप और क्लीन एडिटिंग कर पाओगे। तो इस तरीके से हमने दो सॉन्ग को ज्वाइन कर लिया। इसी तरीके से आप जितने भी सॉन्ग को ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन और मर्ज कर सकते हो और एडिटिंग कर सकते हो। और जब तुमने सॉन्ग को एडिट कर लिया तो इसको एक्सपोर्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तुम्हें सिंपली ऊपर में जो फाइल का ऑप्शन मिलेगा तुम्हें उस पर क्लिक करना है, और तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज का, तुम्हें उस पर क्लिक करना है। देन इस फाइल को एक नेम तुम्हें देना है, फाइल को एक नेम दे दो और सिंपली इसे सेव पे क्लिक करोगे, ये तुम्हारा सॉन्ग सेव हो जाएगा। ओके, तो इस सिंपल तरीके से आप किसी भी सॉन्ग को एडिट कर पाओगे, और अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा और यूज करोगे तो आप और अच्छी एडिटिंग कर पाओगे। ऑनेस्टली बताऊं तो अभी और तरीके, और भी प्रो लेवल की ऑडियो एडिटिंग होती है, सॉन्ग की एडिटिंग होती है, तो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी म्यूजिकलिटी की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी म्यूजिक की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वो अच्छे से एडिट कर पाओगे। क्योंकि उसमें हम सीखेंगे कि कैसे आप म्यूजिक के अलग अलग कॉर्ड को ऐड कर पाओगे किसी सॉन्ग पे, किसी भी म्यूजिक के जो भी पैटर्न होते हैं उसको कैसे ऐड कर पाओगे, किसी भी सॉन्ग का पूरा
वाइब कैसे चेंज कर सकते हो, तो वो सब भी मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप वो सीखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आप वो वीडियो जो मिस ना करो। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी सीख पाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप डांसिंग, कीप स्ट्रोकिंग। समर्पित मैं सृष्टि और अग्नि को लिखी मैंने अपनी सोच, खड़ी करी तगड़ी फौज, मेरी प्रजा और मेरा ये रिश्ता ऐसा जैसे सरदार संभालता है पगड़ी को, जीने के लायक होते।